तो यार कल हमने एक पोल किया था कि कितने अमाउंट ऑफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो और कितने अमाउंट ऑफ लोग प्रिपेयरिंग फॉर ऑफलाइन एग्जाम कर रहे हो, तो उधर हमको ये रिजल्ट मिला कि यार 33% स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड 67% स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस ICSE, IAS एंड CBSE। ठीक है यार, तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो इस बार बोर्ड के लिए अपेयर करने वाले हो। ठीक है, हमको पता है बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे चीजें हैं। लास्ट वीडियो के अंदर तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कमेंट किए थे रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशंस, 2 साल का ऑनलाइन क्लास था, अभी ऑफलाइन एग्जाम क्यों। आई नो ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर वेरी लेजिटिमेट। प्रोटेस्ट चल रहा है, पता नहीं क्या होगा वो देखा जाएगा, बट अभी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ICSE स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 29th of November एंड ISC स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 22nd of November। ठीक है, तो लगभग वी जस्ट हैव 20-25 days लेफ्ट फॉर ISC एंड करीब 1 month and some few days, 2-3 days left. ISC के वाले में क्यों भी बोल रहा हूँ, अगर CBSE दे रहा उसको मैं बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ करो, बट इसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज इस बार तो एग्जाम्स ऑफलाइन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, नो कैंसिलेशन, ये सब यार होगा नहीं। देखो अगर होते हैं ना तो भी बहुत सारा नुकसान है, अगर नहीं होते हैं तो भी बहुत सारा नुकसान, तो हमको करना क्या है, हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट 20-25 दिन का एक वीडियो बना रहा हूँ आज। ठीक है, कुछ टेक्निक्स के बारे में बोलूंगा थ्रू दिस वीडियो। आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशंस। इसके साथ साथ तुमको ये भी कंसिडर करना है कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इतना बात अश्योर कर लो अपने आपको। एंड जो लोग ये सोच रहे भैया कुछ भी पढ़ाई अभी तक नहीं किए, 1 महीने के अंदर एग्जाम में, उसको ये चीज एश्योरेंस दे रहा हूं यार मैं, जो जो टेक्निक्स बोलूंगा। ठीक है, एंड एक बहुत बड़ा चीज आने वाला है फॉर ईच एंड एवरी ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी। ठीक है, उस चीज के दौरान हर एक बच्चे एक मिनिमम एवरेज मार्क्स स्कोर तो करोगे ही, अगर सेली प्रिपरेशन टिप्स को फॉलो करते हो तो अच्छा नंबर यार फोकस करोगे, मतलब अच्छा नंबर मिलेगा यार, 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसे हम हवा में यार बात करते नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट को, स्कूल रीओपनिंग को छोड़ के हम अभी एक बहुत ही बेहतरीन चीज खोल के बात करने वाले हैं, वो ये है कि करना क्या है। ये वीडियो लेजिटिमेट है फॉर ईच एंड एवरी ICSE, ISC एंड CBSE के लिए। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अच्छा भैया क्या लेके आप बात करने वाले, हमको पता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई किए नहीं हो। ठीक है, मैं कुछ 6 strategies दूंगा इस वीडियो के अंदर, top 6 strategies थ्रू दिस वीडियो, वेयर और थ्रू विच इफ यू वांट यू कैन अचीव अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो यार थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा मैं वो देना चाहता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सो 2 new batches दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय आन एकेडमी फॉर क्लैट एस्पिरेंट। एक है तुम्हारे लॉ मास्टर जो कि 1 साल के कॉम्प्रिहेंसिव बैच है फॉर क्लैट 2022 एस्पिरेंट। ठीक है, इसके अंदर तुमको हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जाएगा एंड ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 27th of October, 1 साल के कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। सेकंड वाला है हमारा लॉ टाइगर्स। ठीक है, ये एक बिगिनिंग बैच है, ये फॉर बिगिनर्स के लिए बैच है फॉर 2023 क्लैट एस्पिरेंट। इसके अंदर ये तुम्हारे हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर पढ़ा जाएगा एंड ये 2 साल के बैच है एंड ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 29th of October। हर एक बैच के अंदर रेज हैंड फीचर्स, लाइव वॉइस टेस्ट, 50+ एडिशनल मॉक टेस्ट एंड मंथली CA and GK। इसके साथ यू कैन यूज माई कोड जो मैं हमेशा बोलता हूँ आकाश स्टॉक्स यूज करो, अगर तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो फ्रॉम अनअकैडमी इस कोड के थ्रू यू विल गेट 10% ऑफर और ऑफ फ्रॉम ईच एंड एवरी कोर्स। ठीक है, एंड इसके साथ साथ यार लाइव क्विज यूलेट का तो एग्जाम्स होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल एंड चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो भैया क्या करना है यार लास्ट 20-25 दिन के अंदर, देखो यार कुछ टेक्निक्स है, यू हैव टू जस्ट फॉलो दोस टेक्निक। पहला टेक्निक ये है कि प्रोमोडोर टेक्निक, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोमोडोर टेक्निक, दैट इज व्हाट यू कॉल 25 minutes 5 minutes रूल। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है, 25 मिनट का स्टडी टाइम होगा एंड 5 मिनट का ब्रेक टाइम होगा। ठीक है, ऐसे करके हम 4 cycles करेंगे। ठीक है, ताकि हम 1-2 घंटे का कंटिन्यूअस स्टडी सेशन बना पाए। भैया अब क्यों बोल रहे हो कि 25 मिनट ना हम लोग का फोकस है, हम लोग का जो कंसेंट्रेशन लेवल रहता है वो बहुत हाई रहता है। ठीक है, एंड 25 मिनट फोकस करने के बाद 5 मिनट हम रेस्ट लेंगे। ठीक है, अगेन 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट रेस्ट लेंगे, ऐसे करके यार 4 circles या फिर 4 cycles करेंगे। ठीक है, अगर तुम CBSE के हो ये वाला टेक्निक फॉलो कर सकते हो, अगर तुम ICSE के हो ये वाला टेक्निक फॉलो कर सकते हो। ISC के लिए बात करें, ISC के लिए थोड़ा पढ़ाई ज्यादा होता है ऑब्वियसली, 12वीं के लिए, CBSE के लिए भी ऑब्वियसली है, बट फिर भी अगर तुम इस टेक्निक को एक बार अप्लाई करके देखो यार लास्ट 20 दिन के अंदर तुमको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है, मैं इतना एश्योरेंस दे रहा हूं। ठीक है,
दिस टेक्निक एंड उसके बाद चार साइकिल करने करने के बाद मतलब 2 घंटे लगातार स्टडी करने के बाद 15 मिनट का एक बड़ा ब्रेक लेना मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, एक बार करके देखो यार सब लोग, मेरे को तो बहुत हेल्प होता है मेरे टाइम के दौरान। ठीक है, मेरे को, मैं अभी भी करता हूँ कॉलेज के दौरान, मैं जब मेरा सेमेस्टर रहता है मैं तभी भी इस टेक्निक को करता हूं, मॉर्निंग को एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, मतलब 6 घंटे का पढ़ाई करता हूं लाइक दिस। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट में आ रहा है हम, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। भैया मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेट अ स्पेसिफिक टाइम? देखो यार सबका दिमाग डिफरेंट डिफरेंट टाइम में चलता है। कुछ लोग बोलेगा भैया मेरा ज्यादा दिमाग चलता है मॉर्निंग में, ठीक है, कुछ लोग बोलेगा भैया मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन पावर या फिर काम करने का पावर रुतबा यार रहता यार कब, इन द टाइम ऑफ इवनिंग। ठीक है, कुछ लोग बोलेगा भैया मैं रात में अच्छा फोकस कर सकता हूं, मैं रात में अच्छा काम कर सकता हूं, मेरा पूरा पावर रहता है रात में। ठीक है, तो मैं बोलूंगा तुम लोग देखो तुम्हारे एक कौन से टाइम में तुम्हारे कंसंट्रेशन फोकस काम करने का तरीका पढ़ने का यार जो जज्बा होता है वो कब सबसे ज्यादा रहता है, कमेंट कर दो यार। मॉर्निंग में तुम ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो या फिर इवनिंग में या फिर रात में? अगर मेरा केस में बोला जाए तो थोड़ा ये उल्टा है। ठीक है, मैं रात में ज्यादा पढ़ सकता था, ठीक है, रात में पढ़ के एग्जाम दिया, हाँ मॉर्निंग में एग्जाम के टाइम उठ के भी पढ़ता था, बट रात में मेरा रुतबा थोड़ा ज्यादा होता है। इवनिंग के टाइम में अपना ट्यूशंस वगैरह रखता था ताकि यार ट्यूशंस कर ले, रात में आके यार एकदम फाड़ के पड़े यार 2 बजे तक 3 बजे तक हम पढ़ते थे, अभी भी हम करते हैं रात में, पूरा रात में करते हैं। तो तुम बोलो यार तुम्हारा कौन सा टाइम अच्छा है, उस टाइम को टारगेट करो एंड अपना गोल को अचीव करो। ठीक है, मेरा तीसरा पॉइंट है तुम्हारा यार गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन का, भैया व्हाट डज इट मीन? लास्ट 25 दिन के अंदर यार एक गोल बना लो कि हाँ मेरे को इस दिन के अंदर इतना, मान लो मेरे को फिजिक्स, मेरे को इस टाइम के दौरान फिजिक्स समाप्त करना है। ठीक है, मेरे को इस टाइम के अंदर मेरे को केमिस्ट्री समाप्त करना है, मेरे को इस टाइम के अंदर मेरे को मैथमेटिक्स समाप्त करना है, तो उसको टिक करोगे कि क्या तुम हर दिन अपना गोल को अचीव कर पा रहे हो? दैट्स अ वेरी लेजिटिमेट पॉइंट फॉर दिस लास्ट 25 डेज। ठीक है, इसके बाद हमारे यार सैंपल और या फिर स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना, 2 से 3, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 स्पेसिमेन पेपर प्रैक्टिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कल परसों के अंदर कुछ बड़ा कुछ आने वाला जिसके अंदर तुमको यार ये सब चीज मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा हमारे चीज को शेड्यूल कर रहे हैं, राइट? अच्छा, इसके बाद हम आ रहे हैं यार टेस्ट एंड रिवीजन। ठीक है, सिर्फ टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू फोकस फॉर। टेस्ट तो हम देंगे, टेस्ट से पता चलेगा अपने काबिलियत, बट जो चीज हम रॉन्ग किए हैं, मिस्टेक्स किया है, जो भी हम उसको हमको रिवाइज करना है थ्रू दिस रिवीजन टेक्निक। यू नो ऑल दिस टेक्निक, बहुत ईजी है यार। ठीक है, छठवां टेक्निक जो काफी इंपॉर्टेंट है, 6th टेक्निक, दैट इज व्हाट यू कॉल रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। देखो यार हम लोग ना इंसान है, ठीक है, विल डू आवर मिस्टेक्स, ओके, देयर इज नो शेम ऑफ डूइंग एनी मिस्टेक्स, बट व्हेन यू गोना रिपीट दैट मिस्टेक, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स। डूइंग मिस्टेक्स इज ओके, ओके, डूइंग मिस्टेक्स इज ओके, बट रिपीटिंग दैट सेम मिस्टेक्स इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को दोहराना नहीं है, एंड इसी के साथ मेरा 6 स्ट्रेटेजी एक बार अगर फॉलो करोगे तो मैं तुमको इतना एश्योर कर सकता हूं कि तुम एक अच्छा नंबर ऑब्वियसली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा है चलने दो, बट अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर एग्जाम, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दो, अपने प्रिपरेशन बना के रखो। ठीक है, आई नो बहुत सारी चीज सही नहीं हो रहा है, बट फिर भी अपने आप को यार उस स्ट्रॉन्ग इंटेंट बैट्समैन बनना है इन लास्ट 20-25 दिन के अंदर। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं यार, बहुत जल्दी कुछ नया आने वाला है, इसलिए इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को दबा के रखना फॉर गेटिंग द रियल टाइम अपडेट्स। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक।